प्रिय विद्यार्थियों, वगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं व्याकरण का अगला अध्याय क्रिया, जिसे इंग्लिश में हम वर्ब भी कहते हैं। आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ वाक्य नजर आ रहे हैं। तोता उड़ गया, तोता एक छत पर बैठा था, महादेव उसके पीछे दौड़ा। इसमें कुछ शब्दों के नीचे मैंने रेखांकित किया है, कुछ शब्दों को रेखांकित किया है, जैसे उड़ गया को किया है, बैठा था को किया है, दौड़ा था को किया है। ये इसलिए किया है कि इन उपयुक्त तीनों वाक्यों में से जो रेखांकित वाक्य है वो या तो किसी क्रिया का होने का पता करते हैं, या कोई कार्य हो रहा है, या किसी कार्य को करना है, या स्थिति और अवस्था का पता करते हैं। जैसे तोता उड़ गया, यहाँ उड़ गया तोता का कार्य का होना बता रहा है कि तोते ने कार्य किया उड़ने का। यहाँ पर स्थिति अवस्था ये है कि तोते की जो स्थिति है वो एक छत पर बैठा था। तीसरे में महादेव उसके पीछे दौड़ा, यानी कार्य हो रहा है दौड़ने का तोते के पीछे। इस तरह से इन वाक्यों के, इन रेखांकित वाक्यों की कार्य का होना, स्थिति और अवस्था और कार्य के करने से इसकी एक परिभाषा बनती है। क्या? जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने या किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति अवस्था का बोध हो, उन शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। ऊपर वाले वाक्य में इन परिभाषा के हिसाब से तीनों कार्य को हो रहा है, कार्य का होना भी हो रहा है, उसकी स्थिति अवस्था भी हो रही है और उसका कार्य का करना भी हो रहा है। इस तरह से हम कहते हैं कि जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने या किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति या अवस्था का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्रिया के बिना कोई कार्य पूरा हो नहीं सकता। वाक्य में क्रिया का इतना महत्व है कि कभी कभी तो बिना किसी कर्ता या कर्म के भी क्रिया हो जाती है, स्वयं ही आ जाती है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं। आओ, रुको, ये ऐसे हैं जो क्रिया खुद ही वाक्यों को पूरा कर देती है। इसलिए इसका इतना महत्व है कि कई बार केवल क्रिया से ही वाक्य का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि आओ यानी किसी को आने के लिए कह रहे हैं, रुको यानी किसी को रुकने के लिए कह रहे हैं, जाओ यानी किसी को जाने के लिए कह रहे हैं। अब बात यह है कि क्रिया जो हो रही है वो कौन करता है और उसका प्रभाव किस पे पड़ता है। इसके लिए मैंने दो चीज लिखी है नीचे, कर्ता और कर्म। जो कार्य करने वाला है यानी उड़ने का कार्य करने वाला तोता है, तो यहाँ तोता है वो करता है, जो उस कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है। कर्म, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। जैसे एक वाक्य मैं आपको दूं, इसमें दिया हुआ है किसान ने हल उठाया। तो किसान ने हल उठाया यानी किसान ने उठाने का कार्य क्या किया था, हल किया। तो यहां पर हल एक कर्म है, यह होता है कर्म। ये इसलिए बताए गए हैं क्योंकि इन कार्यों को जो संपादित कर रहा है वो कर्म और कर्ता और कर्म होता है, इनका एक दूसरे पर प्रभाव इसका पड़ता है। अब बात यह है कि क्रिया बनती कैसे है, क्रिया किस तरह से बनती है, कैसे बनती है, क्रिया का मूल रूप क्या होता है। क्रिया का मूल रूप होता है धातु, उसे ही हम धातु कहते हैं जो क्रिया का मूल रूप है। जैसे उदाहरण में देखिए, खाया, इसमें खा मूल है। अब आपने इसमें या जोड़ दिया तब तो ये खाया हो गया, और इसी में अगर आपने खा और ना जोड़ दिया तो ये खाना हो गया। ये है बोलना, इसमें बोल धातु है। अगर इसी में ही आपने और प्रत्यय जोड़ दिया, या प्रत्यय जोड़ा, यहां ना प्रत्यय जोड़ा,
यहाँ भी ना प्रत्यय जोड़ा, अगर इसमें हम दूसरा प्रत्यय जोड़ दें तो एक नई क्रिया बन जाएगी बोलता। यहां ता जुड़ा, यहां ना जुड़ा, यहां या जुड़ा, यहां ना जुड़ा। अब ऐसे ही पढ़ना, पढ़ाई, यही इस तरह से इनको हम धातु कहते हैं जो क्रिया के मूल रूप में होते हैं। इन धातुओं से ही क्रिया का निर्माण किया जाता है। तो आज हमने पढ़ा क्रिया किसे कहते हैं, कैसे क्रिया को समझते हैं, क्रिया को करने वाले कौन होते हैं और क्रिया का मूल रूप क्या होता है। क्रिया का मूल रूप होता है जो धातु होता है। अगली ऑनलाइन क्लास में हम क्रिया के जो भेद हैं उनको पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।